और अब रुक करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। फतेहाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी प्रत्याशी सुनीता दुग्गल का विरोध हुआ है, उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा हसंगा गांव में, जहां पर किसानों ने जमकर उनका विरोध किया है। गेहूं की खरीद ना होने के चलते किसानों में आक्रोश और इस गुस्से का खामियाजा भुगतना पड़ा है सुनीता दुग्गल को। अनाज मंडी में किसानों से मिलने गई थी सुनीता दुग्गल, लेकिन यहां किसानों ने उनका विरोध किया है फतेहाबाद में। बीजेपी प्रत्याशी है सुनीता दुग्गल, किसानों का विरोध का सामना करना पड़ा है उन्हें। हसंगा गांव में किसानों ने विरोध किया है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मंडी में सुनीता दुग्गल किसानों से मिलने के लिए गई थी, लेकिन किसान जिनकी गेहूं की फसल की खरीद अब तक नहीं हो पाई है, हमने देखा तस्वीरों में किस तरह सुनीता दुग्गल का विरोध करते हुए यहाँ पर मौजूद किसान। गेहूं की फसल ना बिकने के चलते किसान परेशान, और सुनीता दुग्गल जब किसानों से मंडी में मिलने के लिए पहुंची अनाज मंडी में, तो यहां पर मौजूद किसानों ने सीधे उनका विरोध किया। हसंगा गांव की घटना है जहां सुनीता दुग्गल अनाज मंडी में इन किसानों से मिलने के लिए गई थी, लेकिन किसानों में काफी गुस्सा था जिसका खामियाजा सुनीता दुग्गल को भुगतना पड़ा। हमारे साथ इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ संवाददाता सतवीर जुड़ गए हैं। सतवीर, सोचने वाली बात है कि किसानों में कितना गुस्सा होगा कि सीधे सुनीता दुग्गल जो उनसे खुद मिलने के लिए गई थी, उन्होंने सुनीता दुग्गल का ही विरोध कर दिया। जी नंदिनी, बिल्कुल सरकार का विरोध भी इस बात में नजर आ रहा है जैसा कि किसानों का विरोध हम देख रहे हैं। हालांकि सुनीता दुग्गल सिरसा से उम्मीदवार है और वो किसी प्रकार से अपने अभियान को लेकर के शायद उन्होंने ये सोचा होगा कि मैं किसानों से मिलूं, और किसान जो कि पूरी तरह पीड़ित हैं क्योंकि उनका पिछले काफी समय से गेहूं की तुलाई नहीं हो रही थी और इसी के चलते उन्होंने सुनीता दुग्गल का और सरकार का विरोध किया है, ये आप स्पष्ट देख रहे हैं। जी सतवीर, क्या क्या कहा सुनी हुई, क्या कहा किसानों ने जिसका जवाब देते हुए भी सुनीता दुग्गल नजर आ रही हैं? जी नंदिनी, ये बिल्कुल स्पष्ट इस वीडियो में नजर आ रहा है कि सुनीता दुग्गल सरकार की दुहाई दे रही है और वो कह रही है कि हम हर तरह से किसान के और हम आम आदमी के साथ हैं, जबकि किसान इसका विरोध कर रहे हैं और वो विरोध स्वरूप यही कह रहे हैं कि हम यहाँ अनाज मंडी में रह करके ना, और इन सरकार का ये आपको दिखा सकते हैं कि हम एक सप्ताह से यहाँ बैठे हैं और हमारे गेहूं की खरीद नहीं हो रही है, आप किस बात के दावे कर रही हैं, ऐसा ये आपस में बातचीत का हो रहा है। सतवीर, जब इस तरह की घटनाएं होती हैं इसके बाद यही कहा जा सकता है कि राहें इतनी आसान नहीं होने वाली है बीजेपी के लिए, हिसाब तो मांगा जाएगा। बिल्कुल नंदिनी, ये एक एक हिसाब सरकार से लिया जाएगा, इस विरोध से यही स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ सिरसा लोकसभा क्षेत्र में खास तौर से सुनीता दुग्गल की राहें जो है वो इतनी आसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार के दावे कर रही है, बड़े बड़े दावे कर रही है, वो यहाँ खोखले नजर आ रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सतवीर आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सुनीता दुग्गल अनाज मंडी पहुंचती तो है अपने इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए, किसानों से मिलने के लिए गई थी, लेकिन किसान गेहूं की फसल ना होने के चलते इतने ज्यादा गुस्से में थे कि उन्होंने यहां पर सुनीता दुग्गल को ही चार सुना दी। और हालांकि सुनीता दुग्गल इस वीडियो में अपनी सरकार की तारीफ करती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन किसान भी उनके साथ बहस कर रहे हैं, जो ये साबित करती है कि सिरसा में
कम से कम सुनीता दुग्गल के लिए राहें इतनी आसान नहीं होंगी, क्योंकि इसी तरीके से उन्हें सवालों का सामना करना पड़ेगा जैसा कि अनाज मंडी में हुआ। दुग्गल पहुंची थी फतेहाबाद में एक अनाज मंडी में इलेक्शन कैंपेन के तहत, लेकिन असंगा गांव के किसानों ने उनका विरोध किया।